समय पर वापस जाना तो मुमकिन नहीं है, लेकिन हम जान सकते हैं कि आजादी के समय भारत में क्या क्या होता था और अभी वो क्या क्या हो रहा है। यानी चावल से लेकर चीनी तक, गाड़ी से लेकर फ्लाइट तक, किसका कीमत कितना था और अभी कितना है। दिस वीडियो हैज बीन पावर्ड बाय कैश करो। कैश करो इज इंडियाज नंबर वन कैशबैक एंड कूपन वेबसाइट। इस वीडियो पे बने रहिए क्योंकि इस वीडियो में ही मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप 98 का रिचार्ज फ्री में कैसे कर सकते हैं। तो 1947 के साथ 2019 को कंपेयर करते हैं, चलिए रहस्य लाइव में, ताकि मैं आज आपको सब कुछ बता सकूं। सबसे पहले बात, बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पर फैला रहे कि आजादी के समय $1 की कीमत ₹1 था, लेकिन ये बात गलत है दोस्तों। आजादी के समय $1 का कीमत ₹3.30 था, जो अभी हो गया है ₹70 लगभग, और £1 का कीमत था ₹13.5, जो कि अब है ₹80। आजादी के तुरंत बाद ही पाकिस्तान नोटों के क्राइसिस फेस किए, क्योंकि पाकिस्तान में एक भी प्रिंटिंग प्रेस नहीं था नोटों के लिए, क्योंकि 6 के 6 प्रिंटिंग प्रेस इंडिया में ही था। तो पाकिस्तान में तब क्या होता था, भारतीय नोट के ऊपर पाकिस्तान का स्टैंप लगाया जाता था और उसे यूज किया जाता था। बाद में सब ठीक हो गया। अब बात करते हैं एडुकेशन की। आजादी के समय भारत में लिटरेसी रेट था 12%, जो कि अब हो गया है 2011 सेंसस के मुताबिक 72.1%। हालांकि अब तक तो उनमें सुधार आ ही गया होगा। नॉन गवर्नमेंट रिपोर्ट के मुताबिक ये हो गया है अभी 75%। तभी कुल 5000 हाई स्कूल थे, 600 कॉलेजेस और 25 यूनिवर्सिटी, लेकिन अब ये हो गया है अराउंड 3.5 लाख स्कूल, 40,000 कॉलेजेस और 900 यूनिवर्सिटीज। चलो अभी देखते हैं डेली सामान का कीमत कितना था। 1 किलो चावल का प्राइस था तब 29 पैसा, जो अभी अराउंड हो गया है नॉर्मल 50 से 55 रुपीज। चीनी का कीमत तब था 33 पैसा, जो कि अभी है 40 रुपीज पर केजी। केरोसिन का कीमत था तब 27 पैसा, जो कि है 52 रुपीज पर लीटर। घर बनवाने के लिए सीमेंट का प्राइस अभी है 1 बोरी का 350 रुपीज, तब था 3 रुपीज 10 पैसा। बात करते हैं यान वाहनों की। 1953 में पहली बार ट्रेन चालू हुआ था मुंबई से थाने। 3 स्टीम इंजन ले गए थे इस ट्रेन को, 14 बोगी का था ये ट्रेन। 75 मिनट्स लगा 34 किलोमीटर कवर करने के लिए। 1947 में ट्रेनों का उत्तरदायित्व दे दिया गया था राजास और जमींदार्स को। कुछ सालों बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऑक्यूपाई कर लिया सब कुछ। 1947 में मुंबई के थाने के बीच किराया था 5 पैसा, जो कि अभी है स्लीपर क्लास में 350 रुपए से फर्स्ट क्लास से 2500 रुपए तक। पेट्रोल का कीमत था तभी 38 पैसा पर लीटर और अभी है अराउंड 77 रुपीज। मिनिमम बस फेयर तब था 1 पैसा और अभी हो गया है 5 रुपीज। तब इंडिया में 2 ही कार मैन्युफैक्चरर थे, हिंदुस्तान मोटर्स और महिंद्रा एंड महिंद्रा। 1947 में हिंदुस्तान 10 मॉडल की गाड़ी का कीमत था 7500 रुपए और महिंद्रा एंड महिंद्रा का जो गाड़ी था उसका कीमत था 8900 रुपए और अभी वे सब 5-7 लाख के ऊपर ही है। तभी बहुत सारे एयरवेज थे, इंडियन नेशनल एयरवेज, अंबिका एयरवेज, निशान एयरवेज, कलिंग एयरवेज, डेक्कन एयरवेज, एयर सर्विसेज ऑफ इंडिया, और दिल्ली से मुंबई का किराया था 130 रुपए, जो अभी है 5000 रुपए के आसपास। तब एयरपोर्ट्स थे 15 और अभी है 126 एयरपोर्ट्स। असल में तब विश्व युद्ध के बाद यूएसए से बहुत हवाई जहाज बेच दिया गया था, वही खरीद लेते भारतीय अमीर लोगों, और ये बिजनेस पॉपुलर भी होने लगा। बाद में बहुत कंपटीशन के लिए ये बिजनेस खराब हो गया और 8 एयरलाइन को मिलाकर गवर्नमेंट ने इंडियन एयरवेज चालू किए थे। आजादी के साल ही टोटल 283 फिल्म्स रिलीज हुए थे। फिल्म का बजट था 1 लाख से 1.5 लाख के आसपास। तब 1350 सिनेमा हॉल थे पूरे इंडिया में, जो कि अभी है 10,000 के आसपास सिंगल प्लेक्स और मल्टीप्लेक्स मिला के, और पाकिस्तान में तब था सिर्फ 117। टिकट प्राइस था 15 पैसे और अभी 50 रुपए से 250 रुपए तक। गोल्ड का प्राइस था 88 रुपीज पर 10 ग्राम और अभी है 35,000 रुपए। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि आप रिचार्ज फ्री में कैसे कर सकते हैं, सिर्फ कुछ ही सिंपल स्टेप्स में। स्टेप 1, सबसे पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक पे क्लिक करें और अपनी प्रोफाइल बना लें। आप प्रोफाइल फेसबुक या ईमेल आईडी के थ्रू बना सकते हैं। इससे आपको पूरे 25 रुपए का साइन अप बोनस मिलेगा, जो कि रियल कैश है और अपने बैंक अकाउंट में भी ले सकते हैं। आपका फ्री 25 रुपए का साइन अप बोनस आपका आईडी बनाते ही कैश करो अकाउंट में माई अर्निंग सेक्शन में जाकर मिल जाएगा। तो अब कितना बचा, 98 से 25 डिडक्ट करके 73 रुपीज। अभी स्टेप 2, डिस्क्रिप्शन में दी गई दूसरी लिंक पे क्लिक करके आप Amazon रिचार्ज के ऑफर पे पहुंच जाएंगे। फिर आपको एक्टिव रिवॉर्ड्स पे क्लिक करना होगा। फिर आपको बस विजिट रिटेलर पे क्लिक करना है और आप Amazon रिचार्ज के वेबसाइट पे पहुंच जाएंगे। वहां पर Amazon पे बैलेंस का कैशबैक ऑफर कलेक्ट करें और ऑर्डर नाउ पे क्लिक करें। अपने फोन डिटेल्स डालें, ये ऑफर किसी भी ऑपरेटर पे अवेलेबल है। पे नाउ पे क्लिक करें। अब स्टेप 3, अब माई अर्निंग पे क्लिक कीजिए। 50 रुपए का रिवॉर्ड 24 घंटे के अंदर ट्रैक हो जाएगा और पेंडिंग में शो होगा, और ये रिवॉर्ड आपको 10 दिन में कंफर्म हो जाएगा। आपका बैलेंस 250 से ऊपर हुआ तो आप Amazon गिफ्ट कार्ड भी रिडीम कर सकते हैं। तो आप कैलकुलेट कर लीजिए, 73 से 50 रुपए डिडक्ट हो गया, जो कैशबैक रिवॉर्ड्स है, और Amazon पे में भी जो आपको 23 रुपए का कैशबैक मिलेगा, सभी डिडक्ट करके अब बचा 0, यानी आपको 98 एक्युमुलेट मिल गया है।
कैश करो। सभी जरूरतों के लिए Amazon पर विभिन्न कूपन प्रदान करते हैं। हर खरीदारी पर रिवर्स और कैशबैक पाने के लिए कैश करो के माध्यम से Amazon पर खरीदारी करें। आप कैश करो के थ्रू 1,500 के ऊपर ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट से भी शॉप कर सकते हैं। कैश करो ऐप डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। आप कैश करो का व्हाट्सएप में भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। सिर्फ हाई लिख के भेजिए और 10 लकी विनर्स को मिलेगा 1,000 रुपीज का Amazon या Flipkart वाउचर। ये सिर्फ आप लोगों के लिए ही है। तो Amazon और Flipkart में आपको डिस्काउंट नहीं मिला है, कैश करो के थ्रू शॉपिंग कीजिए और आपको बहुत डिस्काउंट मिलने वाला है। मैं खुद 2013 साल से कैशबैक का कस्टमर रह चुका हूँ। अभी तक 22,000 रुपए के ऊपर मुझे कैशबैक मिल चुका है। तो दोस्तों, इनमें से कोई आपको शॉकिंग लगा नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा। दोस्तों मुझे इंतजार रहेगा दोस्तों आपके कमेंट का।